फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। तिमारपुर थाने की टीम ने पंजाब पुलिस की मदद से पंजाब से एक कार चोर को गिरफ्तार किया, एक कार भी बरामद की। डीसीपी सागर सिंह कलसी ने बुधवार की रात 10:15 पर मीडिया को बताया कि 1 दिसंबर की सुबह थाना तिमारपुर में एक कार चोरी के संदर्भ में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई थी। पुलिस टीम शिकायतकर्ता नैन सिंह के पास पहुंची, जो रहने वाले हैं संजय बस्ती तिमारपुर के, जिनकी उम्र 50 वर्ष है, जो पेशे से ड्राइवर हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि उन्होंने अपनी टोयोटा फॉर्चुनर कार को 30 नवंबर की शाम 6:30 खड़ी की थी। जब 1 दिसंबर की सुबह देखा तो वहां पर कार नहीं थी। पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर EFIR दर्ज करी, जिसकी संख्या नंबर 034-899/22 धारा 379 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले को सुलझाने के लिए एक टीम बनाई थी, जो कि ACP अलका आजाद के निर्देश पर यह टीम बनी थी, जो कि तिमारपुर थाने के SHO त्रिभुवन सिंह नेगी ने यह टीम बनाई थी। इस टीम में SI अशोक, हेड कांस्टेबल हरि नारायण इस टीम में शामिल थे। पुलिस टीम ने जांच चालू की और आसपास के लगे तमाम CCTV फुटेज चेक किए और उनका विश्लेषण किया। तभी शिकायतकर्ता ने 4 दिसंबर को कार की GPS की डिटेल दी, जिसके बाद GPS से पता चला कि वह कार पंजाब के अंदर है, जिसके बाद पुलिस टीम ने पंजाब के थाना सरहिंद के SHO से संपर्क किया और पुलिस टीम भी वहां पहुंची और तिमारपुर थाने की टीम ने पंजाब पुलिस की मदद से चेकिंग की और आरोपी को चोरी की कार के साथ गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 10 दिसंबर को अपराधी को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट से उसे दिल्ली 11 दिसंबर को लाया गया। आरोपी की पहचान मलकीत सिंह के रूप में हुई, जो रहने वाला निवासी पंचपति गुरुद्वारा साहिब वाली गली हुमायूंपुर सरहिंद फतेहगढ़ पंजाब का है। इसकी उम्र 36 वर्ष है। आरोपी को दिल्ली लाकर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां कोर्ट से 2 दिन की पुलिस कस्टडी मांगी और 13 दिसंबर की शाम को आरोपी को जेल भेज दिया। आगे DCP ने यह भी बताया कि जब आरोपी से पूछताछ की तो आरोपी ने खुलासा किया था कि वह अपने साथी मोनू के साथ इसने काम किया था, जो मोनू को पंजाब पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी ने आगे ये भी बताया कि मोनू दिल्ली के हरप्रीत और स्मार्टी के संपर्क में था, जो चोरी की कारों को वह पहले दिल्ली के पार्किंग में लगवाया करता था, जो कि 5 से 6 कारें चोरी कर चुके, जो कि दिल्ली के किसी पार्किंग में गाड़ियां लगा रखी हैं। DCP ने यह भी बताया कि अब आरोपी हरप्रीत और स्मार्टी को भी पकड़ने का प्रयास कर रही है और जो और वाहन चोरी किए, जो आरोपी ने खुलासा किया, उन वाहनों को भी तलाशने का प्रयास जारी है। बहरहाल एक आरोपी मलकी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया है।